नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहारवासियों को अब मुश्किल में फंसे होने के बाद मुश्किल और माहौल के हिसाब से इमरजेंसी नंबर याद करके रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहारवासी अब एक ही नंबर पर फोन करके किसी भी इमरजेंसी सेवा में मदद की गुहार लगा सकते हैं। जानकारों की माने तो बिहार में जल्द ही सरकारी इमरजेंसी सेवाओं के लिए जारी नंबर को बंद करने की तैयारी हो रही है। इनकी जगह पर अब एक ही नंबर जारी किया जाएगा, जिससे आम नागरिक अब आसानी से एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड के साथ पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। जानकारों की माने तो अगले 2 से 3 महीने में बिहारवासियों को इसकी सुविधा मिलने लगेगी। हालांकि अभी बिहार में इमरजेंसी सेवाओं के लिए सरकार की तरफ से अलग अलग नंबर जारी किए गए हैं, जिसके तहत पुलिस को बुलाने के लिए 100 नंबर डायल करना पड़ता है, फायर ब्रिगेड के लिए 101, तो वहीं चिकित्सीय सहायता लेने के लिए 102 नंबर डायल करना पड़ता है। लेकिन आने वाले दिनों में आपको अलग अलग नंबर याद रखने की कोई जरूरत नहीं होगी। किसी भी तरह के इमरजेंसी सेवाओं के लिए आपको एक ही नंबर 112 डायल करना होगा। इसको लेकर राज्य में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी कि ERSS डेवलप किया जा रहा है। इसको लेकर गृह विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत ही अब अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसी साल के अक्टूबर नवंबर तक राज्य में यह नई सेवा शुरू हो जाएगी। अब आइए आपको बताते हैं कि इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम आखिर है क्या। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम केंद्रीय योजना है। इसे साल 2018 में नवंबर महीने में शुरू किया गया था। देश में सबसे पहले इसे हिमाचल प्रदेश में लागू किया गया था। साथ ही पुडुचेरी, दमन और दीव, अंडमान निकोबार, दादर, नगर हवेली और देश की राजधानी दिल्ली में भी इसे लागू कर दिया गया है। इस सेवा से सबसे ज्यादा मदद इस बात की होगी कि एक नंबर रहने से लोगों को नंबर याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी और साथ ही मदद जल्द से जल्द उन तक पहुंच सकेगी। हालांकि अभी यह सिस्टम निर्माणाधीन है। इसको बनाने के लिए 176.22 करोड़ रुपए खर्च का आकलन किया गया है। इसमें 10.80 करोड़ रुपए केंद्रीय अनुदान के रूप में मुहैया करवा दिए गए हैं। वहीं बाकी बचे 165.42 करोड़ की राशि राज्य सरकार खर्च करने वाली है। इसके तहत ही गृह विभाग ने पहले चरण में 48 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया है, जिसकी मदद से इमरजेंसी सेवा के लिए जरूरी 4-पहिया वाहनों की खरीद की जाएगी। वहीं इस नंबर को लागू करने की योजना तो बिहार सरकार की पूरे राज्य में है, लेकिन ERSS योजना को सबसे पहले राजधानी पटना में जारी किया जाएगा, जिसके तहत राजधानी पटना के राजवंशी नगर के पास वायरलेस कैंपस में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम सेंटर का निर्माण चल रहा है, जिसके तहत अब कहीं से कॉल करने पर इसी सेंटर से सबसे पहले कॉल रिसीव किया जाएगा, जिसके बाद बड़ी संख्या में तैनात किए गए कर्मी जरूरत के हिसाब से उससे संबंधित विभाग को तलब कर देंगे, जिसकी सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। साथ ही पटना के अलावा 10 जिलों में इसकी शुरुआत की जानी है, जिसके बाद चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे करके सभी 38 जिलों में इसका विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।